हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है, तो आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइन को सीखेंगे। और जो ये हमें डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 8 के मल्टी में फंदे लेने हैं। आप जब भी स्वेटर, कोटी, किसी भी ये डिज़ाइन बना रहे हो, 8 के मल्टी में फंदे ले लें, प्लस 6 फंदे आप डिज़ाइन को बराबर करने के लिए ले लें, और प्लस 2 फंदे आप एस स्टिच के ले लें। जब भी लें 8 के मल्टी में लेते हो फंदे, 6 फंदे हमारे डिजाइन को बराबर करने के लिए और 2 फंदे हमारे एस स्टिच के, और ये कुल 8 सिलाइयों में ये डिजाइन बनेगा। और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ 8 सिलाइयों में ये डिजाइन है हमारा, और 8 सिलाई यहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, जो ये चीज़ है यहाँ के बनेगी। तो उसके बाद ये 16 सिलाइयों में बनेगा ये डिजाइन। तो 16 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आप डिजाइन को आगे बनाते जाएं, और बैक साइड से ये ऐसे बनेगा। इस डिज़ाइन को आप किसी भी कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर, कोटी कहीं पे भी बना सकते हैं। बच्चे जो बेबी की फ्रॉक पे भी बना सकते हैं, ऐसे कैप पे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो रेड बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ताकि आप वीडियो को तुरंत देख सकें। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 8 के मल्टी में फंदे लिए हैं, प्लस 6 फंदे, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा जो एस स्टिच के लिए लिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 24 फंदे मैंने ये लिए हैं। 8 + 8 + 6 + 2, तो 24 फंदे मैंने लिए हैं। तो पहले हम पहली सिलाई में बनाएंगे सीधी साइड से, पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से बनेगी, तो ये सारी उल्टी बनेगी, ये सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी। तो ये सिलाई पूरी उल्टी बनाकर फिर मैं आपको दूसरी सिलाई बताती हूँ, तब तक ये सिलाई मैं उल्टी पूरी बना लूँ। तो ये सिलाई पूरी हमारी उल्टी बना ली हमने, अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो दूसरी सिलाई हमारी उल्टी साइड से पूरी सीधी बनेगी। तो इस सिलाई को भी सीधी बना लूँ मैं, फिर उसके बाद आपको मैं तीसरी सिलाई बताऊँगी सीधी साइड से। तो ये सीधी सिलाई पूरी बना लूँ। तो अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं, सीधी साइड से पहले हमने उल्टी सिलाई बनाई, और उल्टी साइड पे हमने सीधी सिलाई बनाई। तो अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं, वो कैसे बनानी है। पहला फंदा हमारा एस स्टिच का, उसके बाद 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे सीधी साइड से। हमारी तीसरी सिलाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे हम उतार लेंगे, 1 और ये 2, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। तो 6 और 2, 8 फंदों पर ये हमारा डिजाइन बन गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हमने सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे फिर उठा लेंगे ऐसे बिना बुने, हमने इन फंदों को उठा लेना, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। फिर 6 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, लास्ट का एस स्टिच का फंदा, इसे भी सीधा ही बुन लेंगे। तो पहले हमने 6 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदे हमने उठा लिए, फिर 6 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे उठा लिए, 6 फंदे बुने, 1 लास्ट का एस स्टिच का। अब हम चौथी सिलाई पे आ गए हैं। तो ये उल्टी सिलाई बनाएंगे, जो फंदे हमने उठाए थे उन फंदों को हम दोबारा से इसी सिलाई में उठाएंगे, हम बुनेंगे नहीं उन फंदों को। तो 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, उल्टी साइड है ये हमारी, तो 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे अब हम जो हमने उठाए थे इन्हें फिर वापस से इस सिलाई में भी उठा लेंगे, धागा फिर अपनी तरफ कर लेंगे।
फिर छह फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छह। फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह। लास्ट का एस टीच का इसे भी उल्टा बुन लेंगे। अब हम चौथी पांचवी सिलाई पे आ गए, चार सिलाई हमारी बन गई है। तो पांचवी सिलाई कैसे बनानी है, पहला फंदा एस टीच का बुन लेंगे सीधा ही, उसके बाद छह फंदे हम सीधे बुनेंगे। जैसे हमने तीसरी सिलाई बनाई थी वैसे ही हमारी यह पांचवी सिलाई बनेगी। तो छह फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छह, धागा अपनी तरफ, दो फंदे इन्हें उठा लेंगे, फिर धागे को दूसरे कर, जब धागे को दूसरे करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। फिर छह फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे उठा लेंगे, फिर धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, लास्ट का एस स्टिच का इसे भी सीधा बुन लेंगे। अब हम छठी सिलाई पे आ गए हैं, पहला फंदा एस स्टिच का उल्टा बुन लेंगे, फिर छह फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे उठा लेंगे, जो हमने बुने नहीं इन्हें हमें उठाते ही जाना है दोनों साइडों से, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, लास्ट का एस्टिच उल्टा। अब हम छठी सिलाई सातवीं सिलाई पे आ गए हैं। तो छह सिलाई हमारी ऐसे बन गई हैं। तो सातवीं सिलाई कैसे बनाएंगे, तीसरी सिलाई की तरह ही बनाएंगे इसे भी, पहला फंदा एस स्टिच का, फिर छह फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, एक दो, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे उठा लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, छह फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, लास्ट का एस्टिच से भी सीधा बुन लेंगे। अब हम आठवीं सिलाई पे आ गए हैं। ये पूरी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे। अब जो फंदे हम उठा रहे थे उन्हें भी बुन लेंगे, इसमें हमें कोई फंदा हमने उठाना नहीं है। आठवीं सिलाई पे सारे फंदे हमने बुनने हैं, सारे उल्टे ही बुनेंगे, उल्टी साइड है ये हमारी। तो आठ सिलाइयों पे डिजाइन हमारा ऐसे बन गया है। अब हम आठ सिलाई पे ये डिजाइन इसी को दोबारा रिपीट करेंगे, पर यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा डिजाइन। तो अब हमारी पूरी जो सिलाई है ये उल्टी बनेगी। शुरू में हमने पहले सीधी साइड पे उल्टी सिलाई बनाई थी और उल्टी साइड में सीधी, तो ऐसे ही अब बनानी है। पहले पूरी उल्टी सिलाई बना लेंगे, सीधी साइड है ये हमारी, उल्टी सिलाई बना रहे हैं और ये नौवीं सिलाई है हमारी। दसवीं सिलाई हमारी उल्टी साइड से सीधी बनेगी पूरी। तो ये सीधी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको ग्यारहवीं सिलाई बताती हूँ, तब तक ये मैं सीधी सिलाई पूरी कर लूँ। अब हम ग्यारहवीं सिलाई पे आ गए हैं।
ग्यारहवें सिले पहला फंदा एस स्टिच का, फिर इसके बाद दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे हम उठा लेंगे, एक दो। यहाँ हमारे छह फंदे थे, दो फंदे हमने इधर बुन लिए, दो फंदे हमने उठा लिए, दो फंदे हमारे इसके साथ बुन लेंगे, तो ये छह फंदे हो गए। जब भी आप शुरू में ध्यान रखें, हमने यहाँ पे पहले एस स्टिच का, फिर छह फंदे सीधे बुने थे, और दोबारा जब चेंज करेंगे डिजाइन को तो एक फंदा हमारा एस स्टिच का, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो फंदे उठाएंगे। अब धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, अब छह फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर छः फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे उठा लेंगे। लास्ट में फिर हमारे पास दो फंदे सीधे बुनाई में रह गए हैं, और लास्ट का एस स्टिच, धागा अपनी तरफ करके उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई बारहवीं सिलाई है ये हमारी, तो पहला एस स्टिच का उल्टा बुन लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर छः फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, लास्ट का एस स्टिच। अब हम तेरहवीं सिलाई पे आ गए हैं, तो पहला फंदा एस स्टिच का, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, एक दो, धागा दूसरी तरफ करेंगे, सॉरी अपनी तरफ ही करेंगे धागा, दो फंदे हमने उठा लिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे सीधा, दो फंदे तीन चार पाँच छः, छः फंदे बुन लिए, दो फंदे इसे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा दूसरी तरफ करके फिर छः फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक दो, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, लास्ट का एस स्टिच का भी सीधा। अब हम चौदहवीं सिलाई पे आ गए हैं, एस स्टिच का पहला फंदा बुन लेंगे उल्टा, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, छः फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, फिर छः फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे उठा लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, लास्ट का एस स्टिच उल्टा। अब हम पंद्रहवीं सिलाई पे आ गए हैं, तो पहला एस स्टिच का सीधा बुन लिया, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, दो फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर दो फंदे उठा लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर छह फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उठा लेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुन लेंगे, लास्ट का एस स्टिच सीधा। अब हम सोलहवीं सिलाई पे आ गए, सोलहवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी, जो फंदे हमने उठाए थे उन्हें भी उल्टा बुन लेंगे,
ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बन गई है। तो ये 16 सिलाइयों में हमारा डिजाइन ऐसे बन गया है। तो फिर दोबारा से ये हमारी उल्टी साइड, जो सीधी साइड है, तो उल्टी सिलाई बननी शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा, तो ये पूरी उल्टी सिलाई बनेगी। तो दो सिलाई उल्टी सीधी बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी उल्टी सीधी साइड पे उल्टी सिलाई बना दी और उल्टी साइड में सीधी सिलाई बना दी। फिर दोबारा से ये पहली सिलाई हमारी शुरू हो जाएगी जो हमने बनाई थी। यहाँ पे 6 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उठा लेंगे। तो ऐसे ये डिजाइन ऐसे बन जाएगा। तो जब डिजाइन पूरा बनाएंगे तो हमारा ये ऐसे बनेगा। तो अगर डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।